कुकी कुकी कुकी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज अभिजीत चौधरी, द फिफ्थ जोन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज थोड़ा बहुत अपडेट है, जैसे कि हमारा ये कोई का वाला फिश पॉन्ड, इसमें से हम लोग को 30% वाटर को निकाल के क्लीन करना है और साथ में इस फिल्टर के स्पंज को भी साफ करना है, जिससे कि हमारा पानी ग्रीन नहीं होगा अगर हमारा फिल्टर पहले से साफ होगा। और साथ में अभी इन सभी प्लांट में वाटर भी करना है। तो ये सब कॉइन प्लांट है एंड देख सकते हो मैंने कैसे सेपरेट कर दिया। फिलहाल तो मैं इसमें से एक दो बंच है उसको निकाल के मैं स्पॉट में लगाने वाला। तुम लोगों को पता होगा कि मैंने इसमें पहले फिल्टर बना रखा था, तो मैंने फिलहाल इसमें अभी रख दिया है। और ये काफ़ी अच्छा मैंने सॉइल सब्सट्रेट बना रखा है, इसमें गोबर का खाद, मिट्टी, सैंड दोनों तीनों है। तो एक तरह अगर मैं लगा देता हूँ कॉइन प्लांट, तो काफ़ी देर पूरा भरने वाला है। और जैसे पूरा भर जाएगा फिर से उनको मैं सेपरेट कर दूंगा, तो इस तरीके से भरता जाएगा और मेरे पास प्लांट बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। और ये गाइस सबसे बेस्ट एक्वेटिक प्लांट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरता जाता है और तुम इसको अपने एक्वेरियम के साथ फिश पॉन्ड में भी ला सकते हो। तो अच्छा कवर देता है, फिर इसको हाइडिंग स्पेस भी देगा, ऑक्सीजन भी बनाएगा और दिखने में भी सुंदर लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि तेज़ी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक बंच में तुम ले गए ना, अगर तुमने इसे अपने पॉन्ड में लगाने से पहले किसी गमले में लगा दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर तुम अपने फिश पॉन्ड में लगाना, तो इससे ये क्या रहेगा कि तुम्हारे पास खूब ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती ही हैं। एंड गाइस, ये हमारा मौली फिश का पॉड और इसमें मैंने अभी देखो फीड कर दिया है, और साथ में मेरे एक बेटा फिश भी मैंने इसमें छोड़ दिया क्योंकि इसमें हाइडिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और ये इन सभी फिशेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगी। अभी छुपी हुई थी मेरी बेटा फिश, काफ़ी ज़्यादा काम है। अगर मैं दो बेटा फिश रख देता तो शायद कुछ हो सकता था, फिर शायद अब भी कुछ ना होता। बट मैंने एक बेटा फिश इसमें रखी हुई है और एक बेटा फिश हमारी जैपनीज कोई कार्ड फिश के साथ है, और मुझे नहीं पता उस टाइम कहाँ पर कहीं पर हाइड की होगी, दिख नहीं रही फिलहाल तो मुझे, कल दिखी थी। तो चलो सबसे पहले हम लोग वाटरिंग कर लेते हैं सभी प्लांट को, और मैं ये यही वाला पॉन्ड का पानी ही यूज़ करता हूँ पानी डालने के लिए पौधों में अपने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हो चुका है गाइस, सभी प्लांट से पानी डाल दिया है, इतना ही काफ़ी है। एंड अभी बारी है गाइस फिल्टर को साफ करने की। तो पहले तो मैं इस पाइप को निकाल लेता हूँ, ऐसे पानी गिरा करेगा इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये देखो ये फिल्टर बॉक्स ही पूरा उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, और अब इसको खोल के पूरे स्पंज को अच्छे से साफ करूँगा। तो अभी तुम देखना कितना ज़्यादा इसके अंदर एलगी जमा होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा एलगी है, दिख भी नहीं रहा होगा तुम लोगों को, निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये देखो पूरा स्पंज, ये एक्वेरियम वाला स्पंज है। तो चलो पाइप के प्रेशर से जल्दी से पूरा साफ कर ले रहा हूँ पहले तो इसको। ओके गाइस, तो हमारा फिल्टर क्लीन हो चुका है और अभी जल्दी से हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो फिलहाल ये देखो ये स्पंज है, और ये एक्वेरियम वाला स्पंज है जो मिल जाता है 120 रुपये ऐसे करके एक्वेरियम शॉप पे, और काफ़ी था भाई ख़राब होता। मैं तो इसको भाई एकदम बिल्कुल नेगेटिव कमेंट दूंगा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया ये, देख सकते हो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरा फट फुट आ गया है। तो फिलहाल मैं अभी स्पंज लेके आऊँगा नया, और तब मैं नया फ़िल्टर बनाऊँगा। मेरा इस फिल्टर से भी मन भर गया है, ये इतना अच्छा काम भी नहीं कर पाता, और फिल्टर फिर से DIY ही बनाऊंगा। और इस बार बनाऊंगा जो रेक्टेंगुलर शेप वाला फ्लावर पॉट होता है उसमें बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिग होगा। और मैं वो तभी बनाऊंगा जब मैं नया समरसेबल पंप लेकर आऊंगा, इस कूलर वाले पंप से काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगभग 44 वाट का पंप चाहिए, जो एक्वेरियम वाला भी एक आता है, मतलब कूलर में भी लगता है 44 वाट वाला। तो मैं जब वो ले आऊँगा तब बनाऊँगा बढ़िया सा एक फिल्टर, और तब मैं स्पंज भी यूज़ करूँगा अच्छा वाला स्पंज। मैं एक्वेरियम शॉप से नहीं लाऊंगा इस बार, स्पंज मैं लेकर आऊँगा जो बर्तन धोने वाला होता है उससे बनाऊँगा, स्कॉच ब्राइट से। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बेनिफिशियल बैक्टीरिया होल्ड कर सकता है। एंड हाँ, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया न्यू वाटर से, तो उन्होंने ये मत सोचना कि सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मर चुके हैं, इतने बड़े टैंक में भाई बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत जल्दी कॉलोनी डेवलप हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी स्पंज में एल्गे लग जाता है तो उसको प्रेशर वाले वाटर से ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइप से भी साफ कर चुका हूँ टैंक के पानी से, पर वो ढंग से काम नहीं करता है। तो चलो पहले इसको जल्दी से प्लेस कर लेना उसके जगह पे, ये रख दिया है, और ये देखो पानी वापस से पाइप लगा देना इसके अंदर, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा अभी, बस आना स्टार्ट हो गया। और चलो चलते हैं जल्दी से प्लांट कर लेते हैं हमारे पौधों को। और ये देखो हमारी सभी फिल्टर के हमारे उधर छुप गई हैं, पर प्लांट करने से पहले मैं सोचा पहले 30% वाटर निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर प्लांट लगाता हूँ।
तो हमें चलना पड़ेगा साइफन पाइप को लेने के लिए। तो गाइस हमारा साइफन पाइप आ चुका है और ये काफी बेस्ट चीज है भाई। अगर तुम लोग भी अगर जब भी अपना टैंक साफ करना, छोटा टैंक हो या फिर बड़ा, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होने वाला है। इसके मदद मतलब से तुम आसानी से साफ कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। काफी अच्छे से ग्रेवल्स भी साफ कर देता है तुम्हारे टैंक में, ग्रेवल वेवल है उसको साफ करने में दिक्कत हो रही, तो तुम साइफन पाइप का यूज कर सकते हो। तुम्हें एक्वेरियम शॉप पे मिल जाएगा 150 से 120 रुपए के बीच में। बट इसको ऑनलाइन मत खरीदना, क्योंकि ऑनलाइन कई बार क्या होता है तो पाइप भी फटा हो सकता है और साथ में ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो ऑफलाइन ही जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो जल्दी से पहले इसका पानी साफ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गाइस हमारे साइफन पाइप से तो पानी निकल ही रहा है, साथ मैंने फिल्टर का ये पाइप भी निकाल दिया, तो डबल तरीके से पानी निकल जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम। और अभी फिलहाल हम लोग जब तक सब पानी निकल रहा है तब तक हम लोग अपना कॉइन प्लांट को इसमें लगा लेते, तो हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ ये वाला प्लांट, उसको मैं लगाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से फटाक से इसको लगाते हैं इसमें। और गैस ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बिगनर प्लांट है, काफ़ी आसानी से उग जाता है। इसको तुम पानी और मिट्टी दोनों में लगाना तो और तेज़ी से उगता, नहीं तो ये पानी में भी उग जाता है। फिलहाल तो मनी प्लांट की तरह ही होता है। तो अभी गैस मैंने इसको अच्छे से प्लांट कर दिया है एंड अभी बारिश में पानी डालने की, एंड विद इन 1 मंथ ये पूरा इसके अंदर फैलने वाला है। मुझे अच्छे से थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, डेली इसमें पानी डालना पड़ेगा और ये पूरे 1 मंथ के अंदर पूरा फैल जाएगा। अभी तो इसको एक जगह पर लगाओ लेकिन पूरा भर जाएगा। फिर मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा करके सेपरेट करके और भी बढ़ा सकता हूँ इसको। तो चलो पहले जल्दी से इसमें पानी डाल देता हूँ और वाटर में यही टैंक का यूज़ करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें टैंक में अमोनिया होता है जो कि प्लांट के लिए काफ़ी बेस्ट होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं इनको, क्योंकि फिशेस के जो वेस्ट होता है उससे भी इनका काफ़ी अच्छा होता है प्लांट का ग्रोथ। तो इतना ही पानी काफ़ी है और अब बारी है अपने साइफन पाइप को रोकने की, क्योंकि काफ़ी वाटर निकल चुका है जितना हमें निकालना था। बस थोड़ा थोड़ा हम गंदगी निकालने की कोशिश करते हैं, इससे टिश्यू तो नीचे पूरा गंदगी भी पूरा सक कर लेता है। थोड़ा बहुत जो होगा गंदगी जो निकल पाएगा हम लोग निकाल देंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हमारा ये मोटर तो काम कर ही रहा है। तो बस इतना ही पानी काफ़ी, देख सकते हो पानी का लेवल कम हो चुका है और फिल्टर अभी हमारा लगा दे रहे हैं इसके अंदर। फिल्टर वापस से रन होने लगा एंड अब बारी इसमें मोटर को ऐड करने की। ओके गैस तो हमारे टैंक में पूरा पानी भर चुका है और देख सकते हो काफ़ी इधर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा और हमारी सभी इधर छुपी हुई हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग नीचे और अभी नीचे के टैंक में सबको फीड करना है, तो पहले फीड कर लेते हैं उन सबको भी। तो गैस मैं आ चुका हूँ नीचे और ये देख सकते हो हमारे सभी फिर आ चुके हैं यहाँ पे। इसमें हमारा फ्लावर का बेबी ये देख सकते हो, तो मैं इनको अभी ब्लड वॉर्म फीड कर रहा हूँ और काफ़ी मज़े से खाते हैं और ब्लड वॉर्म काफ़ी अच्छा फीड है इनके लिए, तो इसलिए मैं ब्लड वॉर्म ही फीड कर रहा हूँ। डेली 3 टाइम्स फीड करता हूँ मैं इनको। और अभी मैं अपने फ्लावर हॉर्न के बच्चे को भी डाल देता हूँ, वो खा लेगा आके। जैसे उसको पता चलेगा, देख सकते हो यहाँ पर है, जैसे उसको पता चलेगा तुरंत चला जाएगा खाने। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने डम्बू और गप्पीज को फीड करने और छोटे छोटे से फ्राइज हैं उनको भी फीड करना है। तो ये है गाइस हमारे डम्बू और गप्पीज का फिश टैंक और अभी इसको भी फीड कर देते हैं इसमें। एंड मैंने इसमें एक प्लेटिंग इसको भी डाल दिया था क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार लग रही थी और मेरे अदर टैंक में हीटर नहीं था, तो इसीलिए मैं इसमें रिलीज कर दिया उसको। एंड गैस मैंने नीचे यहाँ पे रखा है मॉली फिश के फ्राइज़ को, तो मैं इनको भी फीड कर देता हूँ ब्लड वॉर्म को क्रश करके। जब पाउडर कर देता हूँ तो आसानी से खा लेते हैं एंड कुछ फ्राइज थोड़े से बड़े हो गए तो वो आराम से खा लेते हैं। साथ में मैंने टब में यहाँ पे रखा है डम्बर के गप्पीज के फ्राइज़ को, तो इनको भी मैं क्रश करके खिला देता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे और ब्लॉग डालता रहूँगा और अपडेट देता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो कुछ भी पूछना तुम वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो और प्लीज़ फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं ऐसे और अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।